जय हिंद इस वीडियो में हम लोग, लोग लोयर्ट स्टील्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के ऊपर बात करेंगे कल इस कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के नतीजे जारी किए हैं और नतीजे बेहद अच्छे आए हैं तो इस वीडियो में हम लोग उस क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के नतीजे के ऊपर चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि फ्यूचर में इस कंपनी का क्या ग्रोथ है आगे क्या हो सकता है आइए वीडियो शुरू करते हैं देखिए लोयर्ट स्टील्स इंडस्ट्रीज जो कंपनी है भारत में स्टील के कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है और यह इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स बनाने का काम करती है जो इंजीनियर लोग के पास औजार होते हैं वही सब यह कंपनी बनाती है इसका मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप है एक हज़ार तीन सौ सत्तर पॉइंट पाँच जीरो करोड़ करीब करीब चौदह सौ करोड़ आप इसको मान लीजिए और शेयर प्राइस है सोलह रुपये पचासी पैसा तथा हाई लगा चुका है उनतीस रुपये का यह ऑल टाइम हाई है यानी कि कंपनी का शेयर प्राइस अधिकतम अब तक यहाँ तक आया है अगर बात करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की तो यह कल यानी कि दो दो हज़ार बाईस को हुआ था दो दो बाईस कितना अच्छा नाम है इसी दिन कंपनी ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के नतीजे जारी किए हैं तो आइए अब हम लोग इसके क्वार्टर थ्री के नतीजों को देखते हैं देखिए यह चार्ट मैंने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के नतीजों को दर्शाने के लिए बनाया है सारे फिगर्स लाख में हैं सिर्फ अर्निंग पर शेयर को छोड़कर क्योंकि अर्निंग पर शेयर शेयर पर कितना रुपया बढ़ता है इसको बताता है इसलिए ये सिर्फ रुपया या पैसा में होता है लाख हजार करोड़ में नहीं होता ये क्वार्टर थ्री के कॉलम है यह क्वार्टर टू के और यह कॉलम पिछले साल के क्वार्टर थ्री के कॉलम को दर्शाने के लिए बताया गया है क्वार्टर थ्री में कंपनी का रेवेन्यू दो लाख का हुआ है जबकि क्वार्टर टू में सिर्फ नौ सौ ग्यारह पॉइंट चार आठ लाख का था देखिए सिर्फ तीन माह में कंपनी ने क्या जंप मारा है नौ सौ ग्यारह लाख से सीधे बीस सौ उनासी लाख जबरदस्त रेवेन्यू गेन किया है कंपनी ने वहीं साल भर पहले का बात करें तो साल भर पहले कंपनी का रेवेन्यू चार हज़ार एक सौ बारह लाख का था जबकि अगर हम देखें तो सालाना स्तर पर रेवेन्यू में गिरावट आया है लेकिन क्वार्टरली स्तर पर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है खर्चे की बात करें तो खर्चे क्वार्टर थ्री में थ्री में कंपनी ने एक हज़ार सात सौ चार लाख का किया है जबकि क्वार्टर टू में सात सौ सोलह पॉइंट सौ चार लाख का किया था और साल भर पहले कंपनी ने खर्चे चार लाख चार हज़ार दो सौ पच्चीस लाख का किया था तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है वहाँ कंपनी ने अपना खर्चा बढ़ाया है और जहाँ रेवेन्यू कम हुआ है वहाँ कंपनी ने अपने खर्चे भी कम किए हैं जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जिसको शुद्ध मुनाफा कहते हैं क्वार्टर थ्री में कंपनी को तीन सौ पचहत्तर लाख का हुआ है जो कि क्वार्टर टू में एक सौ पंचानवे लाख का हुआ था और साल भर पहले बात करें तो साल भर पहले कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि मुनाफा सतासी पॉइंट तीन चार लाख का हुआ था तो यहाँ भी देखिए जैसे जैसे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है कंपनी का प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ा है अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें तो क्वार्टर थ्री में कंपनी का अर्निंग पर शेयर जीरो पॉइंट जीरो चार पैसा है क्वार्टर टू में जीरो पॉइंट जीरो दो और साल भर पहले जीरो पॉइंट जीरो एक पैसा इसको कहीं इसको रुपया नहीं कहेंगे पैसा था अब तो हमने देखा कि क्वार्टर थ्री के जो नतीजे आए हैं इसमें कंपनी का रेवेन्यू आ, मुनाफा अर्निंग पर शेयर हर एक चीज़ बढ़ा है तो इससे लगता है कंपनी में पोटेंशियल है कंपनी ग्रोथ कर रही है और जिस सेक्टर की ये कंपनी है उस सेक्टर में धीरे धीरे ये कंपनी आगे बढ़ती जा रही है मुझे इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट नज़र आता है और मेरे पास इस कंपनी के अच्छे खासे शेयर भी हैं जिसे मैंने लंबे समय के लिए होल्ड भी किया हुआ है बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उनसे जरूर पूछिए उम्मीद करता हूँ वीडियो में इन्फॉर्मेटिव लगी होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद